राजेश्वरी तुझे मालूम भी है कि तू क्या कर रही है? अरे ऐसे मामलों में मर्दों को पता चलता है क्या कि क्या करना है? लेकिन तुझे क्या हुआ राजेश्वरी? अरे तुझे तो कान पकड़कर सर झुकाकर लड़की को ससुराल भेजना था। अरे हमने तो लड़के वालों का अनादर किया है। तू क्या चाहती है कि तारी छोरी के बारे में सबको पता चल जाए? चुप चुप बोलिए माँ, भगवान ना करे कभी ऐसा। अरे भगवान भी क्या करेगा जब तुम लोगों ने सबने कुल्हाड़ी अपने पाँव में मार ली है तो। समधन जी आप गलत समझ रही हैं, हम तो यही चाहते हैं। अरे आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर अक्षरा के ससुराल वाले उससे नाराज हो जाएंगे तो क्या करोगी आप? चार बातें बुलवाई लेते हो मुझसे, हाँ नहीं तो क्या? समधन जी निश्चिंत रहिए आप, हम भी तो यही चाहते हैं ना कि हमारी अक्षरा मान सम्मान के साथ अपने ससुराल जाए। अगर ऐसा हो तो आपके मुंह में घी शक्कर, मगर ऐसा होगा नहीं। अरे मैंने ये तो बता राजेश्वरी कि अक्षरा का मन मुटाव अपने ससुराल वालों के साथ हुआ कैसे? मारी अक्षरा भी क्या ऐसी तो ना है किसी से झगड़ा करके चली आएगी? बात के है हे भगवान, आई अक्षरा को अब क्या हो गया? अरे इसीलिए कहूँ कि छोरियों को इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए, आके बैठ गई ना मायके में। अरे ये सब प्रेम वेम सब फालतू चीज है, मारा तो सुन सुन के माता फूटा जा रहा है। नानी जी जितनी भोली दिखू ना उतनी हूँ ना, हाँ। अरे हमारी बात सबको बुरी लगे पर है सुना न खरी। अरे इस घर में ऐसा हुआ है तभी तो हमारी अक्षरा ने अपने ससुराल में जाकर उन दोनों का साथ दिया और उन्हें छुप छुप के मिलाती रही। अरे अक्षरा की ऐसी हरकत पर वो लोग नाराज नहीं होंगे तो क्या आरती उतारेंगे? अरे ये तो शुक्र समझो जमाई था का कि उन्होंने मायके में लाके बिठा दिया है, ये तो इससे भी बुरा हो सकता था। हाँ अरे ये सब इस बहू का किया धरा है, इसकी संगत में रह के हमारी अक्षरा ऐसी हो गई है, वरना वो ऐसी नहीं थी। अरे समधन जी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? इस हमें वर्षा और शौर्य का क्या लेना देना? मेरे हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप दो अलग अलग बातों को मत जोड़िए। वर्षा की परिस्थिति अलग है और नंदिनी की अलग, आप इस बिचारी को क्यों दोष दे रही हैं? अरे मेरी बात सबको बुरी लगे होती है अक्षरा। नानी जी का स्वभाव तो तू जानती है ना, वो तो बस ऐसे ही, बुरा मत माना। उनका सही गलत, रीत परंपरा उनकी मर्यादा से बंधा है, इसलिए शायद उन्होंने जो भी कहा हालात के कारण उससे भी कहा होगा। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? नहीं बस ऐसे ही। अरे हुआ क्या, कुछ तो बोल। हाँ नानी ने तुझसे कुछ कहा है ना? नहीं मैंने कहा ना, वो तो शायद ऐसे ही टेंशन में कह दिया होगा। पर उन्होंने तुझसे कहा क्या?
वही जो हमेशा कहती रहती है तेरे दादू और मैंने लव मैरिज की है, उन्हें तो ऐतराज ही रहा है और अब उन्हें लगता है कि तूने नंदिनी दीदी और मोहित के रिश्ते का जो साथ दिया है वो इसलिए क्योंकि घर में सबने हमारी शादी होने दी, नहीं तो तू कभी ऐसा नहीं करती। और तेरी शादी में जो मैंने तेरे और दादू का साथ दिया वो किसको देख कर दिया? तब तो हमारे घर में किसी की लव मैरिज नहीं हुई थी। वर्षा, इसमें तेरी क्या गलती है? तू नानी की बातों पर ध्यान मत दे, नानी तो बस कुछ भी कह देती है। मैं नानी को सब कुछ यही सोचकर बताने गई थी कि वो जो भी कहेंगी मैं चुपचाप बर्दाश्त कर लूंगी। मैंने हर बात के लिए अपने आप को तैयार कर लिया था, लेकिन घर में सबको मेरी वजह से कितना सहना पड़ा, आखिर मैं कितना दुख दूंगी सबको। वर्षा, इसमें सबकी क्या गलती है? माँ की, दादी की, बाबूजी की, सब लोग मेरी भूल ढो रहे हैं, ये तो सरासर गलत है ना? वाह, गलती करे हमारी छोरी और माफी मांगे ससुराल वाले। अरे राजश्री, मैंने ये बताई ये कैसी जीत है, हैं? कि जवाई साई वापस लेने आवे अक्षरा को। अरे मैंने अक्षरा की चिंता है, उसकी परवाह है, इसीलिए कहती हूँ ये सब। मैं जानती हूँ। समधन जी, चिंता क्यों नहीं होगी आपको? बच्ची है आपकी, हम भी तो चाहते हैं ना कि बात का बतंगड़ ना बने और सब कुछ शांति से निपट जाए। अरे लेकिन बात तो बिगड़ गई समधन जी, लगता है भगवान ने मन ने छोरी के जीवन में आए संकट को दूर करने के लिए यहाँ भेजा है। अब सुन, बेटी की खुशी चाहती है तो जो मैं कह रही हूँ वही कर, वरना उसे बिठाए रखना आंचल से बांध कर। पहले ही बहुत देर हो चुकी है राजश्री, अब और देर मत कर, अब चल मेरे साथ समधी जी के यहाँ। हाँ, यही एक रास्ता बचा है, जाके बात कर लेते। माँ, लेकिन शौर्य के बाबूजी ने मना किया है, उन्हें बिना बताए मैं कैसे जा सकती हूँ? तू सोच ले, तेरी बेटी के जीवन का सवाल है। अरे दुनिया देखी है मैंने, ऐसे मामलों में तो लड़के वाले ना आने वाले, नाक रगड़ने तेरी बेटी के सामने। समझी, विशंबर जो चाहता है वो गलत तो नहीं है ना? क्या ये ठीक होगा कि विशंबर के मना करने पर बड़ी बहू अक्षरा के ससुराल जाए? सोच लो, आज नहीं तो कल तुम लोग को जाना ही होगा, जितनी जल्दी जाओ उतना अच्छा है, वरना बिठा रखना है बेटी को जिंदगी भर अपने घर में। माँ, मेरे लैपटॉप का कॉर्ड कहाँ है? नैतिक, छोटी माँ माँ के साथ माँ के गई। बहुत नाराज हूँ मुझसे, अपनी दीदी से बात भी नहीं करते। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। क्या हुआ नैतिक? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। इधर दिखाओ, ये तो लाल पड़ गया, बहुत दुख रहा है ना? कोई ऑइंटमेंट लगा देती हूँ। दीदी,
दिखाओ मुझे। अभी इसे लगाएंगे, दर्द सारा चला जाएगा। जब छोटे थे तो चोट लगने पर दौड़ कर मेरे पास आते थे कि दीदी चोट लग गई, दवा लगा दीजिए, नहीं तो माँ डांटेंगी। और मैं तुम्हारे चोट के निशानों को बहादुरी के निशान कह के उनको गिनती थी, जितने ज्यादा निशान उतने ज्यादा तुम बहादुर। हाँ दीदी, और आपका आइडिया हमेशा काम कर जाता था। मैं ज्यादा चोट लगने पर रोना भूल कर और ज्यादा खुश हो जाता था। बात पूछो नैतिक, तुम अक्षरा को बहुत मिस करते हो ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है छोटी। एक तरफ तेरी जेठ जी का फैसला है और दूसरी तरफ माँ का कहना। वैसे देखा जाए तो माँ का कहना भी सही है। अगर अक्षरा के ससुराल वाले इनकी बात से सहमत होते तो अब तक वो जमाई सा को अक्षरा से बात करने के लिए यहाँ भेज चुके होते। भगवान, मुझे तो स्थिति और बिगड़ती हुई नजर आ रही है। जितना समय बीतेगा उतनी ही कड़वाहट बढ़ेगी। क्या करूं और क्या नहीं करूं? दीदी, मैं ये कहकर आपको और परेशान तो नहीं करना चाहती, लेकिन अक्षरा के लिए मुझे बहुत डर लग रहा है। ससुराल छोड़कर जाने का दुख क्या होता है मैं समझ सकती हूँ, पर सिर्फ पति की नहीं, सारे ससुराल की नाराजगी का बोझ है उसके मन में। हमें सिर्फ उसकी खातिर जल्द से जल्द सारी बात सुलझा लेनी चाहिए। कहीं अक्षरा की नानी की कही हुई बात सच हो गई तो? नहीं 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 छोटी, नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, अभी जाके माँ से बात करती हूँ, और अगर उन्होंने अनुमति दे दी तो मैं अक्षरा की नानी को लेकर आज ही, बल्कि अभी अक्षरा के ससुराल चली जाऊंगी। सच कहूँ तो तेरे जेठ जी से बात करने की हिम्मत नहीं है मुझ में, लेकिन क्या क्या तो लेनी होगी। पता नहीं क्या कहेंगी माँ, मानेंगी भी आप? भाभी माँ, मेरे पास 3 बैग थे ना? हाँ, लगता है मैं 1 बैग दुकान पर ही भूल आई। अरे जा, जल्दी से जाकर ले आ। जी, आप गाड़ी में बैठिए, मैं बस आई। हाँ, भाई माँ, आप भी इन राक्षसी गाड़ियों के बीच कैसे फंस गई? अरे अच्छा हुआ तू आ गया, मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया था। ऐसा हो सकता है मेरी भाभी माँ कहीं फंसी और मैं ना हूँ? अरे अगर वो राक्षस है तो मैं रक्षक। अच्छा भाभी माँ, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो जाएगी।
आपने क्या सोचा माँ? मैं चली जाऊं? बड़ी बहू, मैं समझती हूँ ये सब कुछ तुम अक्षरा के लिए कर रही हो, पर इतना तो तुम भी जानती हो कि तुम्हारा वहां जाना शंबर को ठीक नहीं लगेगा और ये उचित है भी नहीं। आज तक तुमने कभी विशंबर की इच्छा के विरुद्ध एक कदम नहीं उठाया। तो क्या करूंगा? चुपचाप बैठकर जमाई सागे आने की प्रतीक्षा करना ये भी तो उचित नहीं है ना? मैं खुद इन्हें बिना बताए नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर आज माँ के साथ में सब्जी जी के यहाँ चली जाती हूँ और जो भी हुआ उसके लिए उनसे क्षमा मांग लेती हूँ तो माँ हो सकता है कि बिगड़ी बात सुलझ जाए। अगर समय बुरा हो तो धैर्य से काम लेना चाहिए, मैं तो ये जानती हूँ। धैर्य की भी तो सीमा होती है माँ। सारी रात करवटें बदलते निकलती है ये सोचते सोचते कि क्या होगा अक्षरा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ बड़ी बहू, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये नाराज होंगे, लेकिन अगर इनकी नाराजगी के बदले में हमारी बच्ची का घर बस जाता है ठीक है, तो मुझे इनकी नाराजगी भी स्वीकार है। माँ मैं बाद में इन्हें मना लूंगी, आज नहीं तो कल इनका गुस्सा ठंडा हो ही जाएगा, लेकिन अगर अक्षरा के संसार पर आई हुई आग ने उसका घर फूंक दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। माँ मुझे जाने दीजिए, मत रुकिए। अरे बहू, यहाँ सिर्फ अनुमति देने की बात नहीं है, डरती हूँ कहीं कोई और नया मुद्दा ना खड़ा हो जाए। नहीं, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं बहुत संभल कर आराम से बात करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी कि मामला सुधर जाए। जाने दीजिए ना माँ, आप तो समझ सकती हैं मामा। ठीक है, अगर वहां जाने से तुम्हारे मन को शांति मिलती है तो मैं नहीं रोकूंगी। ठीक है माँ, तो मैं आज ही, मतलब अभी अभी चली जाती हूँ। माँ से कहती हूँ कि वो तैयार हो जाए और जब तक हम लोग लौट ना आए किसी से कुछ मत कहिएगा। सब ठीक। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के दो नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पार्ट साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए दो नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।